अनुष्का शर्मा द्वारा प्रोड्यूस की हुई एक और पिक्चर आती है नेटफ्लिक्स पे, बुलबुल। अब बुलबुल आते ही तुरंत तो नहीं सबने पसंद किया, लेकिन ये कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही ध्यान से देखते हैं और उनमें से एक मैं नहीं हूँ। मैंने बहुत ध्यान से उसको नहीं देखा, इसलिए शायद मैंने उसको मिस कर दिया, वरना ये वीडियो 2 दिन पहले ही आ जाती, मतलब जिस दिन रिलीज़ हुई थी उस दिन ही आ जाती। लेकिन क्योंकि हैं कुछ समाज में ऐसे लोग जो प्रोएक्टिव होते हैं, तो मैं उन पर भी थोड़ा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, और अनुष्का शर्मा पे तो बट ऑब्वियस, वरना ये वीडियो नहीं बनी होती। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चले कि क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या अनुष्का शर्मा से सवाल जायज़ है। आपको वो सीन याद है कि नहीं, आपने बुलबुल देखी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ओवरऑल वो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, नो डाउट। लेकिन उसमें 2 सीन ऐसे आए, जब तक मैंने नोटिस किया क्रॉस चेक करके, उस हिसाब से बता रहा हूँ, 2 सीन ऐसे आए जिसमें बंगाली में एक महिला गाती है कि बेशरम राधा उस तरफ क्यों जाती है, बेशरम राधा। और दूसरी लाइन है, हरामजादा कान्हा है हेमा, कान्हा हरामजादा है। अच्छा, अब क्योंकि सबके पास ये ट्रांसलेशन ना भी मिले, अगर किसी ने इंग्लिश में सबटाइटल देखी हो कुछ, तो उसके लिए भी वर्ड्स हैं जो वहाँ यूज़ किए हैं, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। इंग्लिश में जो वर्ड यूज्ड हैं, यू शेमलेस हंसी इस बेशरम राधा के लिए, और कृष्ण वाली लाइन में इंग्लिश में जो सबटाइटल यूज्ड है वो है, व्हेन यू नो इट लीड्स टू दैट बास्टर्ड, मतलब तुम जानती हो कि उस बास्टर्ड तक, हरामजादे तक ले जाएगी, तो तुम वहाँ जाती क्यों, ये मतलब है। अब मैं इस मूवी के मेकर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सब पे एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि भले, और मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता है कि क्या बंगाल में ऐसे गाने बहुत आम बात हैं कि ऐसे गाली दी जाए, भगवानों को जो पूजनीय होते हैं उनको ऐसे गाली दी जाए, तो मुझे नहीं पता है, मुझे कोई करेक्ट कर दे कोई बंगाली देख रहा है तो। और अगर ये आम बात नहीं है तो इस सवाल को जोर शोर से उठाइए कि अनुष्का शर्मा आखिर करना क्या चाहती है। मतलब जिस विराट कोहली को देश विदेश में खेलने के लिए इतना प्रोत्साहित किया जाता है, इतने उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसका सपोर्ट किया जाता है कि वो इंडिया को प्राउड फील कराता है, उसी विराट कोहली की पत्नी उस महान देश की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति के कुछ देवी देवताओं को इस तरीके से जलील करती है गाली वाले शब्दों को यूज़ करके। ये मेरा पॉइंट है। अगर मैं वैलिड हूँ, अगर मैं सही हूँ, आपको लगता है कि उससे सवाल उठना चाहिए, तो क्या वो ये नहीं कर सकती थी कि वो लाइनें रिप्लेस कर दी जाएँ किसी और चीज़ से, क्योंकि तो एक बहुत बड़ा समाज देखने वाला सिर्फ बंगाली नहीं, अगर बंगाल में ये आम बात है तो, मतलब ये गाने आम बात हैं तो, या फिर क्या अगर आम बात है तो क्या अनुष्का शर्मा को ट्वीट करके, वीडियो बना के, कहीं ना कहीं सामने आके ये बताना नहीं चाहिए कि मेरा कोई इसके पीछे एंटी हिंदू एजेंडा नहीं था, या किसी को डिमीन करना या किसी की भावनाओं को हर्ट करना एजेंडा नहीं था, ये इन रीज़नों से मैंने दिखाया है, और वो जस्टिफाई करे। और अगर वो नहीं कर सकती तो क्या वो सीन हटवा सकती है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, कर सकती है, तो वो करे। मैं इससे ज़्यादा सॉफ्टली नहीं बोल सकता किसी मुद्दे को, लेकिन क्योंकि मैं बहुत भड़कना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बंगाल वाली संस्कृति के बारे में मुझे नहीं पता है कि किस इस तरीके से अगर शब्द यूज़ होते हैं, जब तक मुझे कोई बंगाली खुद ना बता दे। लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि ऐसा बोला गया है, मैं आपको ऑडियो भी सुनाना चाहता हूँ, तो आप ऑडियो भी सुनिए, वो दोनों लाइन आप खुद समझ जाएंगे, मेरा कुछ मनगढ़ंत बनाया हुआ नहीं है। से उठिया से कानू हराम ज़्यादा माय तो मैं बाकियों की तरह इस चीज़ को बॉलीवुड जिहाद नहीं कहूँगा, क्योंकि किया गया है हिंदुओं द्वारा। चिप्पा मूवी में जो हुआ उसमें डायरेक्टर और राइटर मुसलमान था, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, एक एंगल दे सकता हूँ कि हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं को जलील करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो मैं बोल सकता था, लेकिन यहाँ कैसे बोलूँ।
खैर मैं चाहता हूँ जनता इस चीज़ को ट्विटर पे ट्रेंड कराए, अनुष्का शर्मा या उसके पीआर टीम या उसके प्रोडक्शन हाउस कहीं तक पहुँचे कि इस चीज़ पे वो क्लैरिफिकेशन देने आए और इसके पीछे का मोटिव बताए, इंटेंशन बताए। सही है तो सही बताए, जनता अपने आप शांत हो जाएगी, गलत है तो उसको हटाए सॉरी बोल के। इतना ही मैं चाहता हूँ बस, कुछ मैं उखाड़ के कुछ आज बोलना नहीं चाहता। ये जनता के ऊपर है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों पर रिएक्ट करती है। आप भी हर जगह बोला करिए वरना लोग करके निकल जाते हैं आर्ट के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, इन सब चीज़ों के नाम पे। तो क्यों नहीं, अनुष्का शर्मा ने क्या कभी ये दिखाने की कोशिश की कि किसी गाने में हरामजादा मोहम्मद बोल दिया हो, है ना, या हरामजादा जीजस बोल दिया हो, या फिर बेशरम आयशा बोल दिया हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर्ट होने वाले हर्ट हो जाएंगे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इस चीज़ पे हर्ट नहीं हुए कृष्ण को गाली देने पे, तो आप अपने वाले पे भी जरा सही से रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टिव सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। खैर देखता हूँ ज़्यादा ज़्यादा शेयर होता है या नहीं वीडियो, जितनी दूर पहुँचेगा उतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आप अपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फ़र्ज़ निभाइए, अनुष्का शर्मा से जवाब मांगिए। जय हिंद, वंदे मातरम।